वेलकम बैक फ्रेंड्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। सो, पिछले वीडियो में हमने व्हाइल लूप की कंडीशन समझी थी और फॉर लूप के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया था। सो, आज के इस वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम 5-7 या फिर उससे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम डिटेल में उनका एनालिसिस भी करेंगे और अपना जो एल्गोरिथम है उसे एग्जामिन भी करेंगे। सो, दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी, अब बिना किसी देर के बड़ी जल्दी बड़े आराम से बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी व्हाइल लूप के बारे में, हम पहला कॉन्सेप्ट ही व्हाइल लूप कर लेते हैं ताकि आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो जाए रिफ्रेश। सो, ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें एक एल्गोरिथम दे रखा है या फिर हमें एक फंक्शन दे रखा है, आप कुछ भी बोल सकते हो आप अकॉर्डिंगली, ये हमें एक एल्गोरिथम दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका रनिंग टाइम निकालना है। रनिंग टाइम मतलब क्या है दोस्तों, हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। सो, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अब आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो, ये किसी कॉन्स्टेंट रेट पे ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसकी जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आई पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन है, व्हाइल एस इज लेस देन एन, मतलब जब तक एस लेस होगा एन से। सो, यहाँ पे जो एस की ग्रोथ हो रही है वो इंक्रीमेंटल नहीं है, मतलब एस इक्वल टू एस प्लस 1 नहीं हो रहा, लेकिन उसकी ग्रोथ आई पे डिपेंड कर रही है, एस इक्वल टू एस प्लस आई। आई की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगी, अगर आई की वैल्यू 10 है तो ये एस 10 बार बढ़ जाएगा। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में? सो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले कुछ वैल्यू सैंपल करते हैं। सो, अब हम एक कंडीशन लेते हैं, जैसे मैंने एन की वैल्यू में पास कर दिया एन इक्वल टू 8, मैंने एन की वैल्यू 8 पास कर दी। अब आप यहाँ पे क्या कंडीशन है देखो, सो इनिशियली मुझे क्या कंडीशन दे रखी है, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं या फिर हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू। आई की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1 है। अब चलाओ, व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल टू एन, एस की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। सो, अंदर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या बन गई 2 बन गई, एस इक्वल टू एस प्लस आई, सो एस की वैल्यू क्या है 1 इनिशियली और आई की वैल्यू क्या है 2, सो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। अब दोबारा चलो, ये डिस्प्ले करना रहने दो, ये आपकी मर्जी, आप डिस्प्ले कर सकते हो नहीं शिफ्ट कर सकते हो, हमें तो मेन ये टास्क देखना है कि कितनी बार चल रहा है। अब दोबारा देखो, व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल टू एन, एस की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 8। सो, आप कंडीशन देखो, आई की वैल्यू क्या हुई 1 बढ़ गई, सो आई की वैल्यू कितनी बन गई, आपकी बार पहले 2 थी ना तो 3 बन गई, आपकी बार कितने टाइम चलेगा एस इक्वल टू एस प्लस आई, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एस की वैल्यू है 3 और आई की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में? आई की वैल्यू 3 हुई ना, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 2 प्लस 3। सो, ये कैसे लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ना, क्योंकि एस की वैल्यू तो 3 थी ना, यहाँ पे 3 है एस की वैल्यू और उसके बाद आई की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये आ गया मेरे 6 के इक्वल। अगर मैं 4 टाइम्स चलाऊं से आई की वैल्यू अगली बार बन जाएगी 4, सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में? किसके इक्वल हो जाएगा ये, रफली इक्वल हो जाएगा 10 के, 6, 7, 8, 9, 10 के इक्वल ही तो आ रहा है ना, सो ये 10 वैल्यू हो जाएगी। सो, अगर मैं इस कंडीशन को चलाऊं, मतलब आई कैन एज्यूम दैट, एज्यूम द कंडीशन, मतलब मैंने क्या एज्यूम किया, जो एस की वैल्यू है वो एन से बड़ी हो जाए एट के स्टेप, एट के स्टेप, मतलब ये कंडीशन के टाइम्स चलती रही, ये के टाइम्स चलेगी। सो, ये के टाइम्स चलेगी तो क्या हो रहा है, अगर 4 टाइम्स चल रही है तो कहां तक सम हो रहा है 4 तक सम हो रहा है, अगर 3 टाइम्स चल रही है तो कहां तक सम हो रहा है 3 तक सम हो रहा है, अगर 2 टाइम्स चल रही है तो कहां तक सम हो रहा है 2 टाइम्स सम हो रहा है। सो, अगर के टाइम्स चलेगी तो सम कहां तक होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू के टाइम्स इसका सम होगा, इजंट इट। अगर के तक चलेगी तो के टाइम्स सम हो रहा है, क्योंकि 1 तक चल रही तो 1 बार सम हो रहा है, 2 तक चल रही तो 2 टाइम्स सम हो रहा है, 3 तक चल रही तो 3 टाइम्स सम हो रहा है, और ये किसका सम है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सो, मैंने आपको अपनी वीडियो में एन नेचुरल नंबर्स का सम का कॉन्सेप्ट बताया था, तो एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, इट इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1/2, क्योंकि एन इंटू एन प्लस 1/2 होता ना। सो, हमने क्या एजम्पशन बनाया था, एस इज ग्रेटर देन एन, ये हमारा था एजम्पशन। अब आप कंडीशन देखो, ये किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू क्या है, के पोजीशन पे सम है, ये जो ये एस की वैल्यू है ना, के पोजीशन में सम की वैल्यू है, जो ये सम की वैल्यू है ये किससे बड़ी होगी, एन से बड़ी होगी, तभी तो ये कंडीशन फेल हो रही है, क्योंकि ये कंडीशन तो चेक हो रही है। सो, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन रफली राइट इट एज के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन, क्योंकि हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो, अगर मैं इसे एटमोस्ट वैल्यू लूँ उसकी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर इक्वल टू एन, सो के की वैल्यू क्या आ गई, रूट एन आ गई,
आर यू गेटिंग दिस अप्रोच, देखिए वैल्यू क्या आ गई, रूट एन आ गई. सो मैं क्या बोल सकता हूँ, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन इज ऑर्डर ऑफ रूट एन. या मैं दोबारा साफ से लिख देता हूँ, तो क्या आंसर है, ऑर्डर ऑफ रूट एन. ये आ गया मेरा इसका आंसर. आया आपको कॉन्सेप्ट समझ में? इनिशियली आप तो कब अनुमान करो कि कैसे इसका आंसर आएगा. ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे आई लिखा, वन नहीं लिखा हुआ. अगर वन लिखा होता तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे ऑर्डर ऑफ एन या फिर जो भी इसकी आई नी कंडीशन. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसका प्रॉपरली एनालिसिस किया, हमने इसे प्रॉपरली एग्जामिन किया. सो हमें क्या मिला, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो आई ऑर्डर ऑफ रूट एन. अब देखो दोस्तों, ये कंडीशन तो है, ये कंडीशन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो ये वाइल लूप की फॉर्म में भी आ सकती है. अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि जो जो काम वाइल लूप कर सकता है वो सारे काम फॉर लूप से भी हो सकते हैं. सो मैं आपको ये कंडीशन फॉर लूप में लिख के दिखाता हूँ. सो फॉर लिखा मैंने, एस की वैल्यू क्या दे रखी है निचली, या आई की वैल्यू क्या दे रखी है, आई की वैल्यू वन लिख दे रखी. सो वाइल एस इज लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ पे कर दिया एस इक्वल टू एस प्लस आई, ये कंडीशन लिख दी मैंने. या फिर आप इसके बदले यहाँ पे आई प्लस प्लस भी लिख सकते हो, और यहाँ पे जो ये कंडीशन है एस इक्वल टू वन यहाँ पे लिख दिया, और एस इक्वल टू एस प्लस आई हमने अंदर लिख दिया. आप किसी भी हिसाब से अपना फॉर लूप बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है. सो आगे आपको ये क्वेश्चन समझ में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से एक दो बार देखो और इसे सोल्व करो, एक बार कुछ भी प्रैक्टिस करके देखो. अब हम अपनी अगली वेराइटी देखते हैं. सो ये है मेरा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है. यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई क्रॉस आई इज लेस देन एन. सो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा लिखा है. सो ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, आई क्रॉस आई जब एन से बड़ा हो जाएगा. सो आई स्क्वायर एटमोस्ट कंडीशन में किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एन के इक्वल लिख सकता हूँ. सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, आई स्क्वायर इक्वल टू एन. सो आई को क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू रूट एन. सो इसमें क्या आंसर आया मेरा, आई की वैल्यू किसके इक्वल आई, रूट एन के इक्वल आई. सो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रूट एन. आगे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में, ये चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी डिटेल में स्टडी करवा रखी है, हमने डिटेल में इसका एनालिसिस किया था अपनी पिछली वीडियो में. सो ये तो आ गया मेरा आंसर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, ऑर्डर ऑफ रूट एन. सो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो देखो, सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये, हमें क्या निकालना है, रनिंग टाइम निकालना है. इसमें तीन तीन लूप लगे हुए, सो कैसे आंसर आएगा, हम इसका एनालिसिस करते हैं, हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं. सो सबसे पहले देखो ये लूप कहाँ से चल रहा है, आई इक्वल टू एन बाई टू से चल रहा है. उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम इस कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कंडीशन है. सो कितनी वैल्यू है, 10 वैल्यू है. इसका हाफ कितना है, इसका हाफ है 5, इजंट इट, 5 इसका हाफ है. सो ये होगी इसकी हाफ पोजिशन. सो अब देखो, मान लो ये एन वैल्यूज है, ये तो अभी 10 वैल्यू ना. सो ये कंडीशन कहाँ से चल रही है, एन बाय टू से लेके एन तक चल रही है. तो अगर मेरी एन की वैल्यू 10 है तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, चलेगी एन बाय टू. एन बाय टू कितना है, 5, 5 से लेके 10 तक चलेगी ये कंडीशन. और आपको कॉन्सेप्ट समझे, अब अगली कंडीशन क्या है, फॉर जे इक्वल टू वन, जे प्लस एन बाय टू लेस देन एन जे प्लस प्लस, ये कंडीशन है. अब हमने इसे क्या समझा, हमने इसे पिछले स्टेटमेंट में क्या चला समझा कि ये एन बाय टू टाइम्स चलेगी. अब चलेगी तो एन बाय टू प्लस वन टाइम्स, क्योंकि एक बार ये कंडीशन फॉल्स भी होगी, इजंट इट. लेकिन अभी हम फिलहाल एन बाय टू टाइम से चला रहे हैं, क्योंकि हमें मेन मतलब इस स्टेटमेंट से है कि ये स्टेटमेंट कितना टाइम चलेगी. सो इस लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट है वो एन बाय टू टाइम्स चलेगी, इजंट इट. ये भी एन बाय टू टाइम्स चलेगी, ये भी कितने टाइम चलेगी, ये भी एन बाय टू टाइम्स चलेगी. आगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है. अब कंडीशन आती है इस लूप की, ये लूप कहाँ से चल रहा है, इट इज रनिंग फ्रॉम 1 से लेके जे प्लस एन बाय टू. आ रहा है कंडीशन, जे प्लस एन बाय टू इज लेस देन एन. अब देखो एन बाय टू की वैल्यू क्या है, 5 है. इस कंडीशन में एन बाय टू 5 हुआ ना मेरा. सो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया. आगे आपको कंडीशन समझ में, अब ये 6 से लेके कब तक चलेगा, लास्ट तक चलेगा. सो ये भी कितना टाइम चलेगा, इट इज ऑल्सो रनिंग फॉर एन बाय टू टाइम्स. आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट समझ में, चलेगा तो एन बाय टू प्लस वन टाइम्स, लेकिन हम एन बाय टू टाइम्स ले रहे हैं क्योंकि हमें मेन वर्क स्टेटमेंट का है, हमें देखना है कि स्टेटमेंट कितने टाइम्स चल रही है, क्योंकि वन टाइम तो कंडीशन फॉल्स होगी. सो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो कितने टाइम्स चलेगी, एन बाय टू टाइम्स चलेगी. ये भी कितने टाइम चलेगी, ये भी एन बाय टू टाइम्स चलेगी. सो ये आपस में हो गया मल्टीप्लाई. अब बात आती है इस वाले लूप की, सो ये कितना टाइम चल रहा है, इट इज के इक्वल टू के क्रॉस टू. जब मुझे ये कंडीशन मिल गई तो मुझे क्या पता कि इट इज रनिंग फॉर लॉग एन टाइम्स. आर यू गेटिंग, ये लॉग एन टाइम्स चल रहा है. सो ये चलेगा लॉग एन टाइम्स. सो इसके अंदर जितनी कंडीशन होगी वो चलेगी लॉग एन टाइम्स. सो ये आ गया लॉग एन. अब देखो ये क्या है, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूँ छोटा छोटा करके, आपको कंफ्यूजन ना हो, एन बाय टू ही एन बाय टू है. सो अब
ये क्या है, एक सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट एक वन यूनिट ऑफ टाइम और हम कह सकते हैं क्वेश्चन टाइम, तो ये कितना लेगा, वन यूनिट ऑफ टाइम लेगा वन। सो अब आप इसका प्लस करो या फिर हम डायरेक्टली ये कंडीशन भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है और हमें ये बताना है कि रनिंग टाइम कितना होगा एल्गोरिथम का, एल्गोरिथम में ये कंडीशन तो चल रही है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर कंडीशन एज, ये कितना हुआ, हम इसे ऐसे लिखते हैं लॉग एन यहाँ पे एन बाय टू और n बाई टू मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे वन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसे करो सॉल्व, ये आएगा एन स्क्वायर बाई फोर लॉग एन। अगर मैं इसे ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इस पर्टिकुलर कंडीशन को ऑर्डर में, आई विल रिप्रेजेंट इट एज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। आ रहा है आपको ये चीज, हमने अपने पिछली वीडियो में भी डिटेल में कवर करी हुई और डिटेल में समझी भी है। सो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन, अगर यहाँ पे एन स्क्वायर अपॉन थाउजेंड भी होता है, वन थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड जितना भी होता है, फिर भी हम इसे इसी कंडीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन। सो ये था हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। आया आपको समझ में, इसमें क्या था, पहला लूप एन बाई टू टाइम चल रहा था, दूसरा लूप भी एन बाई टू टाइम चल रहा था और तीसरा लूप लॉग एन टाइम चल रहा था। सो हमें जो मेन टास्क है वो हमें देखना है कि स्टेटमेंट कितने टाइम्स मेरे चल रही है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। ये दोस्तों पार्ट वन था इस पर्टिकुलर वीडियो का, या फिर कह सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो का पार्ट फोर था। अब हम अगले वाले पार्ट में और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।